रिमोट कंट्रोल जेसीबी वर्सेस मैजिकल साइरन हेड। मनोज और सुंदर दोनों दोस्त जंगल में पार्टी करने गए थे। जंगल में घूमते वक्त अचानक उन्हें एक स्पेसशिप तेज आवाज के साथ जाते हुए दिखाई देता है। उसे देखकर सुंदर कहता है, अरे ये किसी एलियन का स्पेसशिप है, चलो यार यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं, एलियन की नजर हम पर पड़ गई तो वो हमें मार देंगे। अरे रुक रुक, इतना क्यों घबराता है, हर एलियन खराब नहीं होते हैं, हो सकता है कोई जादू वाला एलियन मिल जाए, जैसे कोई मिल गया मूवी में है ना, उसी तरह हो सकता है उनसे हमारा कोई फायदा ही हो जाए। मनोज के इस कहने पर सुंदर चौंक जाता है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक स्पेसशिप धरती पर उतर गया था जिसकी खबर किसी को भी नहीं थी, लेकिन धरती पर उतरते वक्त स्पेसशिप का बैलेंस खो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। घबराते हुए सुंदर और मनोज उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। तब वहां पर एक इंसान घायल पड़ा हुआ था। उसे देखकर सुंदर कहता है, अरे ये तो हमारे जैसा ही कोई मामूली इंसान है, लेकिन ये इस स्पेसशिप में क्या कर रहा है, क्या सोचा था मनोज तुमने कि हमें कोई जादू मिलेगा, कहाँ है जादू, शेट यार। सुंदर इस तरह मनोज को चिढ़ाता है। दोनों भी उस घायल इंसान के पास जाते हैं। तब वो कहता है, मेरी मदद करो, मेरे ठीक होते ही मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। जी हाँ, दरअसल वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक एलियन ही था, जो इंसान का रूप लिया हुआ एक एलियन था। वो दोनों उसकी मदद करे इसलिए उसने अपना असली रूप बदल दिया था और इंसान का रूप लिया था। पैसों का नाम सुनते ही सुंदर और मनोज दोनों उसकी बात मानकर उसे मदद करने लगते हैं। अब चुपके से हर रोज उस एलियन के लिए सुंदर और मनोज दवाई खाने पीने का इंतजाम करते हैं। उसी के साथ साथ स्पेसशिप की मरम्मत भी वो करते हैं। कुछ ही दिनों में वो एलियन ठीक हो जाता है। तब वो अपने असली रूप में यानी मैजिकल साइरन हेड में बदल जाता है। बेवकूफ दोनों लड़के, पैसों के लालच में आकर खुद ही अपने दुश्मन की मदद कर दी, चलो एक बार इस गांव में जाकर देखता हूँ। लेकिन अपने असली रूप में साइरन हेड को सुंदर देख लेता है। तब साइरन हेड उसे बंदी बनाकर स्पेसशिप में छुपा देता है। वो साइरन हेड सुंदर का रूप लेता है और गांव में जाता है। तभी उसे रास्ते में मनोज मिलता है और वो सुंदर से कहता है, अरे सुंदर, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और तुम अब आए हो, ये लो देवी माँ का प्रसाद। लेकिन सुंदर प्रसाद खाने से मना करता है, लेकिन मनोज जो था उसे जबरदस्ती वो प्रसाद खिला ही देता है। प्रसाद खाने से सुंदर यानी उस साइरन हेड में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो अपने असली रूप में यानी साइरन हेड में बदल जाता है, जिसे देखकर मनोज डर जाता है। वो कहता है, अरे तुम साइरन हेड, लेकिन तुम यहाँ कैसे, इसका मतलब मेरा दोस्त तुम्हारे पास है, कहाँ है मेरा दोस्त। मैं वही हूँ जिसकी तुमने स्पेसशिप में मदद की थी, अब भुगतो अपने किए का अंजाम। साइरन हेड गांव में तबाही मचाने लगता है। साइरन हेड अपनी जादू से मुंह से आग निकालने लगता है, जिस वजह से गांव में हर तरफ आग लग जाती है। लोग इधर उधर तितर बितर होकर भागने लगते हैं। मनोज अपने दोस्त को बचाने के लिए स्पेसशिप की तरफ जाता है। तभी रास्ते में उसे कुणाल मिलता है। कुणाल को मनोज साइरन हेड की बात बताता है। कुणाल कहता है, अरे तुम लोगों ने यह बहुत ही बुरा किया है, तुम्हें पता है ना कि मैं स्पेस एजेंसी के लिए ही काम करता हूँ, तो एक बार तुम ये बात मुझे बता दिए होते तो ये मुसीबत नहीं आती, पता नहीं अब सुंदर कहाँ और किस हाल में होगा। मनोज कुणाल को लेकर स्पेसशिप की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें सुंदर कैद में दिखाई देता है। सुंदर को वो कैद से निकालकर सारे कुणाल के लैब में आते हैं। कुणाल कहता है, अब तो मेरा रिमोट कंट्रोल जेसीबी रोबोट ही साइरन हेड को सबक सिखाएगा। उसकी ये बात सुनकर मनोज कहता है, अरे कैसी बात कर रहे हो कुणाल, उतने बड़े साइरन हेड का मुकाबला आखिर तुम्हारा रिमोट कंट्रोल जेसीबी रोबोट कैसे कर पाएगा। अरे तुम देखो मेरा कमाल, वो कोई मामूली रिमोट कंट्रोल जेसीबी रोबोट नहीं है, जब वो साइरन हेड को हरा देगा ना तभी मानोगे तुम। कुणाल अपने रिमोट कंट्रोल जेसीबी रोबोट को लेकर साइरन हेड के पास जाता है। देखते ही देखते रिमोट कंट्रोल जेसीबी रोबोट और साइरन हेड के बीच में लड़ाई शुरू होती है। साइरन हेड अपने जादू से रोबोट को जलाने की कोशिश करता है,
लेकिन जेसीबी रोबोट पर कोई असर नहीं होता। देखते ही देखते जेसीबी रोबोट सायरन हेड को मार गिराता है। उस सायरन हेड को उसी के स्पेसशिप में बंद करके दूर एक समुन्दर के बीच में फेंक दिया जाता है। इस तरह जेसीबी रोबोट ने सायरन हेड से पूरे गांव वालों को और दुनिया वालों को बचा लिया। मैजिकल स्पाइडर रोबोट सुपर बाइक रोबोट। कुमार बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था। वो नए नए आविष्कार बनाता और लोगों के भलाई के लिए उन्हें बेचा करता था। एक दिन कुमार सोचता है, आज मैं मेरा सबसे बड़ा और अनोखा आविष्कार बनाने जा रहा हूँ जो लोगों की भलाई के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ये सोचकर कुमार एक सुपर बाइक रोबोट बनाता है। कुमार अपने इस आविष्कार से बहुत ही खुश था। सुपर बाइक रोबोट के चर्चे शहर शहर पहुंच जाते हैं। कुमार के इस सुपर बाइक रोबोट की बात दिनेश नाम के एक आदमी को पता चलती है और वो कुमार से मिलने उसके पास आता है और कहता है, सुनो कुमार, मैं ये सुपर बाइक रोबोट खरीदना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। मैं इस सुपर बाइक रोबोट से लोगों की भलाई भी करूंगा। अगर तुम इस रोबोट का अच्छे के लिए इस्तेमाल करोगे तो मुझे इसे बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह रोबोट बड़ा ही एडवांस है, इससे तुम कोई भी काम करवा सकते हो। ऐसा कहकर कुमार अपना सुपर बाइक रोबोट दिनेश को बेच देता है। लेकिन दिनेश के मन में लोगों की भलाई की नहीं बल्कि खुद के भलाई का स्वार्थ छुपा हुआ था। दिनेश उस सुपर बाइक रोबोट में कुछ और ही प्रोग्राम फिक्स करता है और कहता है, मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। सुन सुपर बाइक रोबोट, जाओ और पूरे शहर को लूट कर लाओ। ठीक है सर, मैं पूरे शहर को लूट कर आपके सामने लाकर रख दूंगा। सुपर बाइक रोबोट घर घर जाकर पैसे लूटता है। कोई पैसे देने से मना करे तो उसके घर को ही वो तोड़ फोड़ कर देता है। अब दिनेश के पास देखते ही देखते ढेर सारे पैसे आने लगते है। सुपर बाइक रोबोट की लूटमार की बात शहर में फैल जाती है, जिसे सुनकर कुमार बहुत ही दुखी हो जाता है। अरे रे रे, मुझसे ये क्या गलती हो गई। वो दिनेश तो मेरे आविष्कार का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मुझे कैसे भी करके उसे रोकना होगा। कुमार पहले तो दिनेश को समझाने जाता है, लेकिन दिनेश कुमार की बात नहीं सुनता। तब कुमार कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं दूसरा आविष्कार नहीं कर सकता? देख लेना दिनेश, मैं तुम्हारे प्लान की धज्जियां उड़ा दूंगा। मैं ऐसा एक नया रोबोट बनाऊंगा कि वो तुम्हारे रोबोट को बर्बाद कर देगा। ये सुनते ही सुपर बाइक रोबोट दिनेश के कहने पर कुमार को बंदी बना लेता है और कुमार को एक सुनसान जगह पर कैद करके रख दिया जाता है। लेकिन एक दिन मौका पाते ही कुमार उस जगह से भाग जाने में सफल होता है। वो जगह एक जंगल में थी। जंगल से भागते हुए कुमार सोचता है, इन लोगों के हाथ लगने से पहले मुझे मेरी लैब तक पहुंचना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे मार के ही दम लेंगे। भागो कुमार, जितना तेज हो सके भागो। कुमार के भागने की खबर सुपर बाइक रोबोट को लग जाती है। वो भी कुमार के पीछे लग जाता है। कुमार भागते भागते एक पेड़ से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। उसके पैर काफी जख्मी हो जाते हैं। तब कुमार कहता है, अरे ये क्या, मेरे पीछे तो सुपर बाइक रोबोट पड़ा है और मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। हे भगवान, क्या करूँ। कुमार बेहोश हो जाता है। तभी अचानक कहीं से एक साधु बाबा उसके पास आते हैं, जो जंगल में ही रहते थे। वो साधु बाबा कुमार के पास आकर उससे कहते हैं, अरे कुमार बेटा, तुम्हें क्या हो गया? किसने तुम्हारी ये हालत कर दी? घबराओ मत बेटा, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम सुरक्षित हो मेरे पास। बाबा बाबा, आप यहीं पे हो, मुझे बचाइए बाबा। मेरे पीछे सुपर बाइक रोबोट पड़ा है और मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। जंगल से वो साधु बाबा कुमार को एक सुरक्षित जगह लेके जाते हैं। वो कुमार का अच्छे से इलाज कराते हैं। 2-3 दिन में कुमार भी ठीक हो जाता है। जैसे ही कुमार ठीक हो जाता है, साधु बाबा कुमार को एक मैजिकल स्पाइडर रोबोट देते हुए कहता है, देखो कुमार, जब तुमने मेरी जान बचाई थी तब मेरी मदद के लिए तुमने ये मैजिकल स्पाइडर मुझे दिया था। आज मैं ये तुम्हें वापस दे रहा हूँ बेटा। ये साधारण मैजिकल स्पाइडर रोबोट नहीं है, मैंने इसमें अपनी कुछ जादुई शक्तियां डाल दी है। तुम इसका इस्तेमाल करो बेटा, ये उस सुपर बाइक रोबोट को खत्म कर देगा। मैजिकल स्पाइडर रोबोट को लेकर कुमार वहां से निकल जाता है। जंगल से वो जाते ही रहता है कि तभी वहां सुपर बाइक रोबोट आता है। उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है।
मैजिकल स्पाइडर रोबोट हर बार सुपर बाइक रोबोट पर भारी पड़ता है। वो उसको खूब पीटता है। देखते ही देखते सुपर बाइक रोबोट कमजोर हो जाता है और मैजिकल स्पाइडर रोबोट के सामने हार मान लेता है। तब मैजिकल स्पाइडर रोबोट सुपर बाइक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। सुपर बाइक रोबोट के खत्म होते ही कुमार पुलिस को फोन करता है और पुलिस को लेकर दिनेश के ठिकाने पर जाता है। पुलिस दिनेश को पकड़ लेते हैं और उसके पास से सारे रोबोट्स और कंप्यूटर्स जब्त करके उसे जेल में डाल देते हैं। उस दिन के बाद से कुमार किसी के लिए भी कोई रोबोट नहीं बनाता, बल्कि जब कभी शहर में कोई मुसीबत आती है तो वो मैजिकल स्पाइडर रोबोट का ही इस्तेमाल करता है।